पंचकुला में आज कांग्रेस पार्टी के कालका से विधायक प्रदीप चौधरी, हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज, पंचकुला नगर निगम की पूर्व मेयर, INDI अलायंस और अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा लोकसभा में 147 सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। कालका से विधायक प्रदीप चौधरी की अध्यक्षता में सेक्टर 4 वेला विस्टा चौक पर सभी कार्यकर्ता लोकसभा में सांसदों के निलंबन को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस प्रकार की कार्यवाही पर कांग्रेस पार्टी के विधायक प्रदीप चौधरी और महिला प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज ने भाजपा सरकार पर सवाल उठाए। कालका से विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि पूरे भारत में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी देकर इसको बचाने का काम किया था और आज सांसदों के निलंबन को लेकर इंडिया गठबंधन के द्वारा लोकतंत्र को बचाने के लिए देश भर में प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों के कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, सत्ता के नशे में इतना चूर हो चुके हैं कि विपक्ष की बात सुनने की हिम्मत नहीं है। कुछ लोग संसद के अंदर घुस गए थे और इस पर हमारी मांग थी कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह अपनी बात रखें। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऐसे अनेकों मुद्दों से बचने के लिए भारी संख्या में सांसदों का निलंबन किया गया। संसद हमारा मंदिर है और सांसद चुनकर जाते हैं। और क्या कुछ कहते हैं कालका से कांग्रेस के विधायक प्रदीप चौधरी, आइए सुनते हैं। वहीं हरियाणा महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सुधा भारद्वाज क्या कुछ कहती है वो भी सुनो। देखिए, बिल्कुल गलत किया गया, सरासर गलत है। जो भी विपक्ष क्यों होता है संसद में, आवाज़ उठाने के लिए, लोगों की आवाज़ उठाने के लिए। अगर संसद की सुरक्षा में चूक हुई है तो उसके लिए पूछना, या प्रधानमंत्री का भी वो बनता है कि, और गृह मंत्री का ये बनता है कि पार्लियामेंट में आके जवाब दें कि ये सुरक्षा में चूक कैसे हुई है। अगर संसद ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा। तो ये आवाज़ उठानी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा आज़ादी से लेके आज तक लोगों के हक में आवाज़ उठाई है और आज भी लोगों के हक में ही आवाज़ उठाने के लिए हम यहाँ पर। इनकी क्या, आप इनकी वो है मानसिकता है वो आप सब जानते हैं, तो इस पे क्या हम टिप्पणी अभी करें? अभी हमारा संसद का जो ये निलंबित किए गए हैं उनके ऊपर ही ये हम बात करें। आज पूरे भारतवर्ष में देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जिस देश को हमारे देश के लाखों युवाओं ने, नेताओं ने कुर्बानियाँ देकर इस देश को आज़ाद कराने का काम किया था, उस लोकतंत्र व्यवस्था को बचाने के लिए आज पूरे देश में ऐसे प्रदर्शन इंडिया गठबंधन द्वारा आज किए जा रहे हैं। उस सिलसिले में हमारे पंचकुला जिला से CPI, CPM और कांग्रेस पार्टी अन्य सभी साथी हम यहाँ इकट्ठे होकर अपना विरोध दर्ज करने के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं। ऐसा पहली बार देखने में आ रहा है कि सत्ता में बैठे लोग इतने सत्ता के नशे में चूर अहंकारी हो गए हैं कि उन्हें विपक्ष के सामने अपनी कोई बात रखने की आज उनकी हिम्मत नहीं। उनका निलंबन करके आज अपने जो भी कार्रवाई है वो करना चाहते हैं।